अगर आपके पास भी पुराने प्लाजो हो, पैंट हो, तो एक बार ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल है ये आइडिया। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन यूज़ करिए, नहीं है तो आप हाथ से बना लीजिए। बहुत ही सिंपल है लेकिन काम ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया, मैंने प्लाजो को इस तरीके से फोल्ड कर लिया और मैं इसको ना बीच से जो मियानी वाला हिस्सा है ना वहाँ से इसको कट कर लूँगी ताकि एक बराबर मुझे कपड़ा मिल जाए। तो देखिए इसको तो मैंने कट कर लिया और ये है इसके ऊपर वाला पोर्शन। इसको ना आप कर्ट भी बना सकते हैं छोटे बच्चे की, या फिर इसमें और फैब्रिक ऐड करके थोड़ा बहुत कुछ और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको अभी हटा रही हूँ, मैं अभी मेन टॉपिक पे आती हूँ। तो इसको करते हैं साइड में। आप दोनों पीसेस को ले लीजिए और इसको बीच से खोल लीजिए। तो ये देखिए प्लाजो तो ऑलरेडी स्टिच होता है तो आपको एक साइड से खोलना होगा, सिर्फ एक साइड से। तो मैं सिंपल हाथों से फाड़ लूँगी, आराम से इसकी स्टिचिंग खुल जाएगी। अब दोनों कपड़ों को अच्छे से सेट कर लीजिए और इसको एक बराबर हम कर लेंगे, क्योंकि ये जो प्लाजो होता है ना हल्का सा कर्व दिखेगा इसमें। ये देखिए जैसे एक साइड से हल्का हल्का कर्व है। तो आपको करना क्या है, आप स्केल की मदद से या फिर सीधे ऐसे ही इसको बराबर से कट कर लें। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया और इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने सिंपल इसमें कोई नाप नहीं करा है, बस मुझे इतना चौड़ा चाहिए था तो मैंने इस तरीके से रख लिया, ठीक है। आप इसको और बड़ा बना सकते हैं, आप इसको और छोटा कर सकते हैं। अब एक परत को हटा लीजिए, कपड़े की एक लेयर को हटा लीजिए और इसके अंदर आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट था ना प्लाजो का, मैं उसको भी रख रही हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई भी कपड़े की कतरने हों, सॉफ्ट हों, वो रख लीजिए। बस उसमें कॉलर नहीं होना चाहिए, उसमें बटन नहीं होना चाहिए, उसमें हुक वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से जितने भी कपड़े हैं छोटे छोटे, अगर बड़े हैं तो उनको छोटे कर लीजिए, छोटे हैं तो उनको बस सिंपल इस तरीके से तह लगा करके रख लीजिए कि वो पूरी एक प्रॉपर लेयर में आ जाए। अच्छा, अगर ये भी नहीं है तो आप पुराने कपड़ों को कट करके इस तरीके जैसे कपड़े में सेट करते हैं ना, बस इस तरीके से सेट कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छा काम करेगा फिलिंग का। तो देखिए मैंने इसमें दो तीन लेयर्स लगाई हैं, सब कुछ सॉफ्ट कपड़े हैं, कुछ कुर्ती के कपड़े हैं, ऊपर एक प्लेन फैब्रिक लगा दिया अस्तर वाला, ये बेकार था तो मैंने इसको इसमें कर दिया और अंदर छोटे बड़े टुकड़े इस तरीके से लगा दिए हैं। अब जो ऊपर वाला कपड़ा लगाया है इससे ये प्रॉपर सेट हो जाएगा और नीचे वाले कपड़े भी आपके नहीं निकलेंगे। अब मेन फैब्रिक लीजिए और इसको इससे कवर कर दीजिए। ये देखिए सिंपल इसको इस तरीके से रखना है। अब आप सुई धागा ले लीजिए, बड़ा वाला सुई ले लीजिए और इसको चारों तरफ से टक कर लीजिए। अगर मशीन है तो मशीन भी चल जाएगी, नहीं तो सिंपल आप हाथों से इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत आराम से ये सिल जाएगा। चारों तरफ से इसको टक करने के बाद आप बीच में भी इसको टक कर सकते हैं, जैसे रनिंग स्टिच होती है सिंपल वैसे ही कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसको साइड से भी सिल दिया और बीच से भी सिल दिया। ये देखिए अब ये बिल्कुल नहीं निकलेगा, जितने कपड़े हैं सब इसमें फिक्स हो चुके हैं सिर्फ दो सिलाई में, ठीक है। एक तो चारों तरफ हमने स्टिच करा, उसके बाद ये दो इसमें सिलाइयाँ लगा दी, ये पूरा कंप्लीट है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसे किसी भी तरीके से यूज़ करिए, लेकिन ये ऐसे नहीं अच्छा लगेगा जब तक इसमें कुछ आप ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो आप सिंपल आपके पास जो भी थैले होते हैं ना, आप उनको कट कर लीजिए और उनको साइड से इसको बॉर्डर लगा लीजिए। तो अगर वो भी ना हो तो आप साड़ी की जो फॉल होती है उनको यूज़ करिए। और यहाँ पर देखिए ये थैले के ही पीसेस हैं, इस तरीके से आप इनको इस ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल तरीके से उसको ज्वाइन करेंगे, पहले एक तरफ को स्टिच करेंगे, उसके बाद पलट करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे, तो प्रॉपर पट्टी जैसी पूरी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने तो उसको फिल करने के लिए छोटी छोटी कपड़ों की कतरनें डाली हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो आप फोम शीट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप आटा बैग भी यूज़ कर सकते हैं। आटा बैग यूज़ करेंगे तो प्रॉपर पूरा वाटरप्रूफ बन जाएगा। तो ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ब्लैक के साथ ऑरेंज बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कोई खर्च नहीं किया है, कुछ भी नहीं यूज़ करा है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी खरीदा ही नहीं है, सब कुछ वेस्ट चीज़ों से बनाया है और यूज़फुल चीज़ बनाई है। आप इसको कहीं भी यूज़ करिए, किचन में यूज़ करिए या फिर आप विंटर में यूज़ करिए, मानसून में यूज़ करिए, पानी को ये सारा ऑब्जर्व भी कर लेगा और साथ ही साथ बैठने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है। आप इसमें आराम से पैर रखिए, आप इसमें बैठ भी सकते हैं, मतलब आप अगर आप फ्लोर में आपको बैठना है तो इस तरीके से छोटी छोटी गद्दियाँ बना करके आप इसमें बैठिए। बहुत बढ़िया है, बहुत ही सॉफ्ट है, बच्चों को दीजिए, खुद भी यूज़ करिए, एकदम बढ़िया ट्रिक है।
तो अगर आपके पास वेस्ट कपड़े हों तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनी है ये, ट्राई ज़रूर करिएगा। और कुछ तो खर्च होता ही नहीं है, आप बॉर्डर को साड़ी की फॉल से भी बना सकते हैं, आप किसी वेस्ट कपड़े से भी बना सकते हैं, बाकी ये पूरा सिर्फ प्लाजो है, अंदर की पुरानी फिलिंग है, सब कुछ फ्री है। तो कैसा लगा आपको आज का ये सिंपल सा आइडिया, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और इसी तरह के अच्छे और सिंपल यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।